शिवपुरी में बेटे ने 1 करोड़ रुपए के लिए पिता की हत्या करवा दी। उसने ऑनलाइन सर्च कर शूटर को बिहार से बुलवाया। आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर पहले एक मेडिकल संचालक की किडनैपिंग के लिए शूटर को बुलवाया, लेकिन जब यह प्लान फेल हो गया तो उसने अपने पिता पर गोली चलवा दी। पैसों के लिए आए दिन पिता से उसका झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी बेटे को, उसके साथी और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पिछोर थाना क्षेत्र का है। नगरिया कॉलोनी में 22 जुलाई को 55 साल के महेश गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि महेश गुप्ता किराना व्यापारी थे। महेश के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अनिल और छोटा अंकित गुप्ता है। अनिल आर्मी में था, उसने 1 साल पहले फांसी लगा ली थी। इसी के इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए उसे मिले थे। अंकित, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह शराब और जुए का आदि है, शराब बेचता भी है, सट्टा भी चलाता है। माँ बाप उससे नाराज रहते थे। अंकित पिता से शराब के लिए पैसे मांगता था, पिता उसे नहीं देते थे, इसी बात से वह खफा था। अंकित और पिछोर की ही रहने वाला नितिन लोधी, उम्र 20 वर्ष, दोस्त हैं। नितिन लोधी हाई प्रोफाइल शौक रखता है। नितिन को भी उसके परिवार वाले खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे, वह भी परेशान था। दोनों ने मिलकर किडनैपिंग की साजिश रची। सोशल मीडिया के जरिए सुपारी लेने वाले बदमाशों को सर्च करना शुरू कर दिया। उनकी पहचान बिहार के रहने वाले गुंडे अजीत चौहान, उम्र 18 वर्ष से हुई। दोनों ने मिलकर शहर से एक मेडिकल स्टोर संचालक की किडनैपिंग की साजिश रची। अंकित और नितिन ने 1 लाख रुपए में अजीत को किडनैपिंग की सुपारी दे दी, बतौर एडवांस 10,000 रुपए भी ऑनलाइन दे दिए। अजीत बिहार से झांसी पहुंचा, यहां दोनों उसे लेने बाइक से पहुंचे। शिवपुरी में झांसी की दूरी 100 किलोमीटर है। पिछोर पहुंचने के बाद अजीत ने पैसे मांगे, इसके बाद काम करने की बात कही। चूंकि दोनों दोस्त पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाए, पैसे नहीं होने के चलते किडनैपिंग की साजिश कैंसिल हो गई। अजीत दूसरा काम दिलवाने या पैसे देने की बात पर अड़ गया, उसने धमकी भी दी। अंकित को लगा कि पिता के कारण ही वह पैसों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, ऐसे में उसने पिता को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसने पिता की हत्या की सुपारी अजीत चौहान को दे डाली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अंकित ने कबूला कि 21 जुलाई की रात उसने साजिश के तहत पत्नी और माँ को अलग कमरे में सुला दिया, खुद भी अलग कमरे में सो गया। रात 2 बजे अजीत को घर बुलाया, यहाँ तीसरी मंजिल पर सो रहे पिता पर अपनी ही आंखों के सामने गोली चलवा दी। आवाज सुनकर परिवार वालों को लगा कि बिजली कड़की होगी। सुबह 6 बजे उसने दूसरी बनाई योजना पर काम किया। पुलिस को बताया कि किसी ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में उपयोग किया गया 315 का कट्टा को भी बरामद कर लिया। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शुरुआत से ही अंकित पर शक था। कारण है कि 3 मंजिला मकान में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके भी दरवाजे बंद थे। शक के आधार पर पुलिस ने अंकित को उठा लिया। घटना वाले दिन उसके मोबाइल की लोकेशन भी देखी। सख्ती करने पर अंकित ने वारदात कबूल कर ली। उसी की निशानदेही पर उत्तर प्रदेश गोरखपुर से अजीत चौहान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास आधार कार्ड भी मिला है, जिसमें उसकी उम्र सिर्फ 18 साल दर्ज है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की शादी की खबर है। पुलिस के मुताबिक अजीत चौहान पेशेवर किलर है। वह सोशल मीडिया पर अजीत किंग नाम से ग्रुप भी चलाता है। इसमें लिखा है, अगर किसी को मर्डर, किडनैपिंग, लूट और चोरी करवानी हो तो संपर्क करें। महेश गुप्ता के बड़े बेटे की मौत के बाद अंकित उनकी इकलौती संतान रह गया था। दूसरा आरोपी नितिन लोधी भी माता पिता का इकलौता बेटा है। पूछताछ में पता चला कि अजीत चौहान भी माता पिता का इकलौता बेटा है। अजीत चौहान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में नेटवर्क फैला रखा है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। 3 आरोपी हैं, इनमें से 2 यहीं के लोकल के पिछोर के हैं। मृतक का लड़का ही इनको उसको बुलाया था बाहर से, और उसको बुलाने का तरीका ये था कि व्हाट्सएप पे वो अजीत किंग के नाम से एक ग्रुप चलाता है, एक, जिसमें वो क्लेम करता है कि किसी भी तरह का अपराध कराना हो तो मैं कर सकता हूँ।